बुजुर्गों द्वारा बताए गए 67 जरूरी नियम जाने। नंबर 1, आयुर्वेद के अनुसार भुना हुआ लहसुन आपके लिए शिलाजीत का काम करता है, दरअसल इसमें एलिसिन होता है। नंबर 2, सिंघाड़ा शरीर में खून और ताकत दोनों बढ़ाता है, कच्चे सिंघाड़े को खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर तेजी से बढ़ता है। नंबर 3, मसूड़े फूलने पर एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस और थोड़ा सा नमक डालकर कुल्ला करने से बहुत लाभ मिलता है। नंबर 4, अमरूद के सेवन से सुस्ती और डिप्रेशन कम होता है। नंबर 5, दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द में राहत मिलती है। नंबर 6, रोजाना रात को सोते समय पेशाब करके सोने से गुर्दे कभी खराब नहीं होते हैं। नंबर 7, रात को नाभि में तेल डालने से दिमाग तेज काम करने लगता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। नंबर 8, जो रोजाना दही का सेवन करते हैं उन्हें पेशाब में इन्फेक्शन नहीं होता है। नंबर 9, कटे हुए प्याज को दूसरे दिन ना खाएं, इससे पेट की बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 10, रोजाना सुबह खाली पेट उल्टा लटकने से लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है। नंबर 11, मूली का रस पीने से पित्त की पथरी बनना बंद हो जाती है। नंबर 12, नशे में यदि व्यक्ति को एक प्याज का रस पिला दिया जाए तो नशा काफी हद तक उतर जाता है। नंबर 13, बासी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है। नंबर 14, दूध में छुहारे उबाल कर खाने से दुबला इंसान भी मोटा होने लगता है। नंबर 15, रोजाना अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा चबाने से जल्दी बीमारी नहीं आती है। नंबर 16, सुबह उठते ही कंघी करने से आपके बाल मजबूत होते हैं। नंबर 17, अगर आपके ओंठ काले पड़ जाएं, तो रात को सोने से पहले दही की मलाई अपने ओंठों पर लगाएं, इससे आपके ओंठ लाल और मुलायम हो जाएंगे। नंबर 18, गुड़ का सेवन करने से शुगर की दिक्कत नहीं होती है। नंबर 19, रोजाना बेर का सेवन करने से पेट की बहुत सी बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 20, रोजाना सुबह एक ताजा टमाटर खाने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं। नंबर 21, सुबह नाश्ते में इलायची खाने से सांस नहीं फूलती। नंबर 22, सोने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पीने से गुर्दे साफ रहते हैं। नंबर 23, रोजाना सुबह शाम नींबू पानी पीने से घमौरियां नहीं निकलती। नंबर 24, ज्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। नंबर 25, धनिया के रस को गंजे सिर में लगाने से सर पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 26, गरम रोटी के साथ दही का सेवन बिल्कुल ना करें। नंबर 27, रोजाना प्याज खाने से शरीर में ताजा खून बनता है। नंबर 28, अगर आपके हाथ हर समय ठंडे रहते हैं तो आप में खून की कमी हो सकती है। नंबर 29, फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे तेजाब बनता है और सीने में जलन भी हो सकती है। नंबर 30, अगर चेहरे पर बुढ़ापा जल्दी नजर आने लगे तो दूध में छुहारे उबालकर पीजिए। नंबर 31, ज्यादा ठंडा पानी दांतों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। नंबर 32, रोजाना दूध पीना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 33, बालों को लंबे और घने करने के लिए सरसों के तेल में थोड़ा सा दूध मिलाकर लगाने से बालों को फायदा मिलता है। नंबर 34, अगर आपके सिर में दर्द रहता है तो आप चावल से परहेज कीजिए। नंबर 35, चावल खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे पेट को नुकसान पहुंचता है और बदहजमी हो जाती है। नंबर 36, कान में मैल जमा होने पर खुजली होने लगती है, जिसे दूर करने के लिए रात को सोते समय 2-3 बूंद सरसों के तेल डालें। ऐसा करने से सुबह तक कान में जमा हुआ मैल बाहर आ जाएगा। नंबर 37, गर्म कपड़े या गर्म कंबल को अलमारी में ज्यादा समय तक रखने से कपड़ों से बदबू आने लगती है, इसके लिए कपड़ों के साथ खाली बोतल परफ्यूम की रखें, इससे जब भी आप कपड़ों को निकालेंगे तो अच्छी खुशबू आएगी। नंबर 38,
गर्म पानी में थोड़ी सी इलायची का सेवन करने से शरीर की थकावट खत्म होती है। नंबर 39, अगर आपके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगे तो दूध में 2 छुहारे डालकर पीने से ताकत मिलती है। नंबर 40, रोजाना रात को किशमिश के सेवन से शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 41, पुदीने की पत्तियों को चेहरे पर लगाने से स्किन नरम और मुलायम हो जाती है। नंबर 42, गेहूं की दलिया में देसी खांड, बादाम की गिरी और देसी घी मिलाकर दलिया खाने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है। नंबर 43, घमौरियों से बचने के लिए नहाते वक्त नीम के पानी, नीम का साबुन का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 44, हर बात को ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग भी वही सोचने लगता है जो असलियत में होता ही नहीं है। नंबर 45, रात की बची हुई रोटी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। बासी रोटी को सुबह दूध के साथ खाने से अपच, गैस, एसिडिटी और पेट की कई बीमारियों से राहत मिलती है। नंबर 46, अगर आपकी आंखों से पानी निकलता है तो इसका मतलब है कि आपकी नज़र कमज़ोर होने लगी है। नंबر 47, रोजाना 10 से 15 मिनट पैदल सैर करने से डिप्रेशन दूर होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। नंबर 48, बादाम का तेल नाभि में डालने से पेट धीरे धीरे कम होने लगता है। नंबर 49, प्याज की खुशबू सूंघने से दिल मजबूत होता है। नंबर 50, ज़्यादा सोचने वाले और टेंशन लेने वाले इंसान के चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। नंबर 51, सफ़ेद प्याज का रस बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नंबर 52, काजू के सेवन से नज़र तेज होती है। नंबर 53, खाना खाने के बाद शरीर में खून का बहाव कम होता है, जिसकी वजह से नींद आने लगती है। नंबर 54, ज़्यादा गर्म पानी से अपने चेहरे को न धोएं, इससे त्वचा जल्दी बूढ़ी नज़र आने लगती है। नंबर 55, तेज चलने वाले इंसान का शरीर कभी ढीला नहीं पड़ता है। नंबर 56, सर की देसी घी से मालिश करें, इससे आपका दिमाग ताकतवर बनेगा और सर दर्द भी दूर हो जाएगा। नंबर 57, जो लोग खाना खाकर नहाते हैं उनकी त्वचा का रंग सांवला होने लगता है। नंबर 58, लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करें, इससे बाल कम टूटते हैं और मजबूत भी होते हैं। नंबर 59, अगर आप अपने पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं तो रोटी के साथ प्याज खाएं, पानी में नींबू निचोड़ कर पीजिए, दिन में 2 बार ही खाना खाएं और रात को सोने से पहले गर्म पानी या गर्म दूध जरूर पीजिए। नंबर 60, हफ्ते में 2 बार नारियल पानी अवश्य पिए, इससे शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और शरीर में कमजोरी नहीं आती है। नंबर 61, पानी में अदरक उबालकर पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 62, अदरक और लहसुन को बराबर मात्रा में पीसकर 1 छोटा चम्मच पानी के साथ सेवन करने से पेट दर्द में आराम मिलता है। नंबर 63, 2 ग्राम अजवाइन, 1 चुटकी काला नमक हल्के गर्म पानी के साथ सेवन करें, इससे पेट दर्द में राहत मिलती है। नंबर 64, अगर आपका पेट ज़्यादा बढ़ गया है तो 4-5 बड़ी इलायची को पानी में उबालकर पिएं, इससे आपका पेट धीरे धीरे कम होने लगेगा। नंबर 65, भोजन के समय सादे पानी के जगह अजवाइन का उबला हुआ पानी पिएं, इससे गैस या बदहजमी दूर होती है। नंबर 66, रोजाना पैदल चलने वाले इंसान का दिल हमेशा मजबूत रहता है। नंबर 67, आँखों में दर्द होने पर आँखों में 2-2 बूंद गुलाब जल डालकर
कुछ देर के लिए आंखों को बंद कीजिए। इससे आंखों में दर्द और थकान से राहत मिलती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।